टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट CES यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, जिसे हर साल आयोजित किया जाता है, लेकिन पिछले COVID-19 के टाइम ये शो नहीं हो पा रहा था और काफी टेक्नोलॉजी उस समय आने से रह गई थी जो कि इवेंट में अनाउंस की जाती है। लेकिन इस साल काफी कंपनियों ने बढ़ चढ़ कर इस इवेंट में हिस्सा लिया। यह इवेंट 5 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक अमेरिका के लॉस एंजलिस में चला। इसमें दुनिया की काफी बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनियां जैसे सैमसंग, लेनोवो, एसर, सोनी ने हिस्सा लिया और लोगों के सामने कई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। आज हम आपको इनमें से 9 बेस्ट लॉन्च के बारे में बताएंगे जो यूजर को एक अलग ही एक्सपीरियंस देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। नंबर 9, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। इस इवेंट के लॉन्च में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने खुद के सैटेलाइट कनेक्टिविटी सॉल्यूशन यानी कि स्नैपड्रैगन सैटेलाइट का ऐलान किया और आने वाले टाइम में एंड्रॉइड यूजर इस फीचर की हेल्प से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकेंगे। कुछ ही टाइम पहले यह फीचर आईफोन 14 में लॉन्च हुआ है। दरअसल इस फीचर में आपको टावर की जरूरत नहीं होती, आप इस प्लेनेट के किसी भी कोने में हो तब भी आप इस फीचर के जरिए किसी को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और ये सैटेलाइट की हेल्प से आप कर पाएंगे, जिसे आने वाले टाइम में काफी लोगों को फायदा होने वाला है। लेकिन ये फीचर महंगे फोन्स में आएगा। नंबर 8, वायरलेस चार्जिंग। QI2 ने अभी सेकेंड जनरेशन वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड पेश किया है। इस फीचर में आप मोबाइल को फास्ट चार्ज कर सकेंगे और ये फीचर एप्पल के मैगसेफ की तरह ही काम करेगा। फास्ट चार्जिंग के लिए चार्जर और डिवाइस एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। मैगसेफ की टेक्नोलॉजी तो आप जानते ही है, उसमें चार्जर आपके मोबाइल में लग जाता है, मतलब की मोबाइल के पीछे चिपक जाता है और इसी वजह से आपके फोन की बैटरी एक्सटेंड हो जाती है और उसी तरीके से ये भी काम करेगा। नंबर 7, सोनी न्यू प्लेस्टेशन कंट्रोलर। सोनी ने भी एक नए प्लेस्टेशन कंट्रोलर का ऐलान कर दिया है, जिसका कोड नेम प्रोजेक्ट लियोनार्डो रखा गया है। इस प्लेस्टेशन कंट्रोल को लिमिटेड मोटर कंट्रोल के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है और ये उनके लिए सबसे अच्छा साबित होगा जो शारीरिक तौर पर कमजोर यूजर्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में काफी लोग हैं जो डिसेबिलिटी प्रॉब्लम की वजह से गेम नहीं खेल पाते, अगर खेलते भी हैं तो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हीं के लिए रिमोट यानी कि यह कंट्रोलर डिजाइन किया गया है ताकि वे ज्यादा टाइम के लिए और अच्छे से प्लेस्टेशन गेम खेल पाएं। नंबर 6, लेनोवो डबल स्क्रीन लैपटॉप। लेनोवो ने भी अपना योगा बुक 9i का ऐलान कर दिया है। ये 13 इंच का 2.8K OLED की डबल स्क्रीन के साथ मिलेगा। ये देखने में जितना अट्रैक्टिव है उतना ही चलाने में स्मूथ भी है। इसे आप जब देखेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट सरफेस डुआ की याद दिलाता है, जिसे अब कैंसिल कर दिया है। ये लैपटॉप एक कीबोर्ड के साथ आता है। अगर आपको कीबोर्ड की जरूरत नहीं है तो आप कीबोर्ड टच से भी चला सकते हैं और इसे फोल्ड करके आधे हिस्से में डिस्प्ले में ही कीबोर्ड आ जाता है। इसकी दोनों डिस्प्ले वर्क करती है और साथ में ये दोनों डिस्प्ले एक एंगल पर एक डिस्प्ले बन जाते हैं। जो इसके साथ कीबोर्ड मिलता है उसे मैग्नेट के जरिए आप डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5, एसर फिटनेस वर्क डेस्क। एसर ने भी एक ई-कनेक्ट BD3 का ऐलान किया है। यह एक फिटनेस वर्क डेस्क है। यह आपकी हेल्थ लाइफस्टाइल के लिए काफी बेस्ट है। यह स्मार्ट डेस्क और एक फिटनेस बाइक है, यानी कि एक स्मार्ट डेस्क और फिटनेस बाइक का यह एक कॉम्बो है। इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि इस पर बैठकर एक्सरसाइज करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो और उसके साथ ही यह आपके डिवाइस को चार्ज करने में भी काम आता है। यह 1 घंटे में 75 वॉट पावर सेल्फ जनरेट करता है। इसे आप 2 मोड में चला सकते हैं, एक वर्किंग मोड में और एक एक्सरसाइज मोड में। इसके साथ आपको एक ऐप भी मिलती है जो आपके शरीर में कैलोरी, हार्ट बीट, आपके फिटनेस के बारे में बताती है। नंबर 4, Realme 240 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। एप्पल क्लेम करता है कि उसका जो 20 वॉट का चार्जर है वो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है और इसके साथ ही मार्केट में 120 वॉट तक के चार्जर अवेलेबल है, लेकिन रियल में 240 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है। पहले इसके बारे में काफी अफवाह उड़ रही थी, लेकिन आखिरकार ये टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया गया है। इस फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन में किया जा सकता है। यह इतना फास्ट चार्जर है कि आपके फोन को 10 मिनट के अंदर कम्प्लीटली चार्ज कर देगा। नंबर 3, सैमसंग फोल्डेबल एंड स्लाइडिंग टैबलेट। इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनी जो साउथ कोरिया की कंपनी है, जिसका नाम सैमसंग है, सैमसंग ने भी फ्लैट हाइब्रिड कॉन्सेप्ट पेश किया है। यह एक फोल्डेबल टैबलेट है। फोल्डेबल टैबलेट और मोबाइल तो हर किसी ने देखे ही होंगे, लेकिन इसमें एक खास फीचर का यूज किया गया है। अगर आप इसे राइट साइड से थोड़ा खींचते हैं तो इसका राइट साइड बड़ा होता जाता है और इसलिए भी इसका नाम स्लाइडिंग टैबलेट है। नंबर 2, बैटरी पावर टेलीविजन।
डिस्प्लेस नाम की कंपनी ने इस इवेंट में एक ऐसा टीवी पेश किया है जो कि लोग देखते ही रह गए। यह टीवी एकदम वायरलेस है। ये टीवी 4 स्वाइपेबल बैटरी के साथ आता है। ये बैटरी टीवी के कॉर्नर में लगी होती है जिसे स्वाइप करके निकाल सकते हैं और इसमें डाल भी सकते हैं। इस टीवी की खास बात यह है कि इसे किसी भी खाली जगह पर लगा सकते हैं और तारों के फैलाने की झंझट भी नहीं होती। यह एक ऑटोमेटिक टीवी है। इसी के साथ आप इसे इशारों से भी चला सकते हैं। नंबर 500 Hz गेमिंग मॉनिटर। एलियनवेयर ने भी नया गेमिंग मॉनिटर लॉन्च किया है। इसका रिफ्रेश रेट आज के टाइम में दुनिया का सबसे ज्यादा रिफ्रेश रेट है, जो कि 500 Hz का है, और इसका रिस्पांस टाइम 0.5 ms का है, जो इसे न केवल मार्केट का सबसे फास्ट मॉनिटर बनाता है बल्कि सबसे रिस्पॉन्सिव मॉनिटर भी बनाता है। इससे पहले एनवीडिया ने मॉनिटर का रिफ्रेश रेट सबसे हाई रखा हुआ था। इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी समय से नए नए टेक्नोलॉजीज आती रही हैं और इस साल भी काफी बेस्ट टेक्नोलॉजीज आई हैं और आने वाले टाइम में भी काफी बेस्ट टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं और ऐसे ही ये टेक्नोलॉजीज लोगों की लाइफ को इजी बनाती हैं और एक्सपीरियंस भी अच्छा दिलाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।